देखो, अगर गोली चला दी जाती है यहाँ पे तो लोग जलियांवाला बाग की तुलना करने लग जाते कि भाई जलियांवाला बाग बना दिया मोदी सरकार ने। देश की 80% जनता इस कानून को समझ ही नहीं पाई है कि कानून है क्या। अब एक एक्टर को तुम नाचने के लिए पैसे दोगे तो नाचने के पैसे लेगा, या बोलने के पैसे दोगे वो पहनने के पैसे लेगा, वो यहाँ के और एक्टरों का हो रहा है। पूरे अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफी दुख लगा कि यह देश की अरमान है और उसको धक्का लगा है। ये जो खालिस्तान समर्थक लोग जो है वो झंडे को उतार कर अपना झंडा फहराए हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर जो कीले लगा दी गई और जो बैरिगेटिंग है उसको बढ़ा दिया गया है, तो क्या ये करना क्या ठीक है? इससे कोई हल निकल सकता है? करना पड़ेगा। देखो, किसान किसान के रूप में भी पुलिस वाले खड़े हैं, वो किसान ही समझ के खड़े रहे और कल को वो तलवारें लेके मारने चले आए, तो इससे अच्छा पहले ही कुछ बैरिगेटिंग लगा दी जाए जो कि वो आगे तक ना बढ़ पाए। क्या लगता है पुलिस और प्रशासन को जो है इन पर अब भरोसा नहीं है? देखो, भरोसा तो अब करना नहीं चाहिए, अब तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो सारा आंदोलन है जिस तरीके से आंदोलन के नाम पर, एक तो जब यह आंदोलन की बातें होती हैं वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है, एक तो एक ही धर्म का नारा बोल दिया जाता है, ठीक है, किसान क्या सिर्फ एक ही धर्म के बैठे हैं, वहाँ देखा होगा कहीं पे भी बोले सो निहाल बोलते हैं, चलो जी बोलते हैं, अच्छी बात, लेकिन क्या हिंदू नहीं बैठे वहाँ पे? बोला किसी ने कि भाई जय श्री राम? नहीं बोला आज तक, ठीक है, चलो नहीं बोला कोई बात नहीं। क्या किसान सब तरह के लोग बैठे हैं ना, तो इस जगह पे झंडा एक ही धर्म का क्यों लगाया गया? भाई भगवा झंडे भी लगते और धर्म के भी लगते झंडे, तब तो माना जाता कि सब तरह के किसान थे और उन्होंने झंडा लगा दिया। अब ये असलियत यही है कि ये सिर्फ यूपी में या तो चुनाव होने वाले हैं या टिकैत साहब को कहीं से ऐसा मिल रहा है कुछ बढ़िया सा जिससे कि वो बैठे रहो, नहीं उठ गए। आप कहना चाहते कहीं ना कहीं फंडिंग मिल रही है? हाँ, कहीं ना। और देखो, ये सरकार की कमी है, जो लाखों रुपये इन जहाँ से एजेंसियाँ हैं इनके ऊपर फूकते हैं ये लोग, क्या ये लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है और क्या कर रहे हैं? जिस तरह से लोग ये सब करने के बाद उनका समर्थन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तिरंगा तो अपनी जगह है, अलग झंडा फहरा दिया, कल को कोई और दूसरा आके कहने लग जाए जी मेरे को लाल किले पे झंडा फहराना है तो फहराने देंगे क्या? है इस तरह का समर्थन कर रहे हैं लोग, पार्टियां कर रही हैं बहुत सी कि नहीं जी नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग चढ़े उन्होंने भीड़ चढ़ के और अपना झंडा फहरा दिया, कल को हम लोग ही चढ़ने लग जाएं कहने लग जाएं जी हम अपना झंडा फहराएंगे, हर कोई चाहेगा फिर तो ये मतलब एक तरह से समझ लो अपनी मनमानी वाला हिसाब कर दिया उन लोगों ने। क्या लगता है जिन लोगों ने जो झंडा फहराया था क्या वो किसान थे? क्योंकि शायद किसान तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। देखो, जिस तरह से शुरुआत हुई, ठीक है, एक तैयारी के साथ वो लोग आए, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ भर भर के, डंडे तलवारें लेके, अगर किसान होते, ठीक है, रोड पे बैठते तरीके से अपना जैसे आंदोलन आज तक चलता आया उस तरीके से आंदोलन करते, लेकिन जिस तरह से तलवारें डंडे ले लेके पुलिस वालों के पीछे मारा पीटा गया, तो उससे देख के तो लगता नहीं है कि वो किसान थे। हाँ। वो तो पूरी योजना के साथ आए हुए ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि मतलब जो सरकार है उसके ऊपर इस तरह दबाव बना दिया जाए, इतनी ज़्यादा वो कर दी जाए कि वो गोलीबाजी कर दे और उसके बाद फिर ये सारे दुनिया में ये फैला दिया जाए कि भाई सरकार ने किसानों के ऊपर गोली चला दी, पूरा इस तरह का वो सोच के चल के आए थे। ये तो एक तो पुलिस वालों का मतलब अपना संयम था, उन्होंने पूरा संयम बरता इस तरह का माहौल। क्या लगता है जैसे आप संयम की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर गोली चला दी जाती पुलिस वालों द्वारा तो क्या होता? देखो, अगर गोली चला दी जाती है यहाँ पे तो लोग जलियांवाला बाग की तुलना करने लग जाते कि भाई ये जलियांवाला बाग बना दिया मोदी सरकार ने, और चाहे दो को गोली लगती लेकिन हो सकता है अंदर बैठे लोग चार को और गोली मार के सरकार को पूरी तरह बदनाम कर देते। अच्छा। और जब गोलियां चलती, जब एक को गोली लगती, दो को गोली लगती, तो फिर दुनिया में यही होता कि वो मोदी सरकार के द्वारा किसानों को गोली मार दी गई। अच्छा, आपने यहाँ पर जलियांवाला बाग की बात करी और कहीं ना कहीं हमने भी देखा उस दिन जलियांवाला बाग वाला माहौल, जिस तरीके से पुलिस वालों को नहर में कूदना पड़ा, जिस तरीके से हमने कभी 1919 पर देखा था या तो जनरल डायर की गोली खाओ या फिर कुएं में कूदो, वैसी चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी, क्या कहेंगे आप उसको? हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखी है, एक सुरक्षाकर्मी जो सिर्फ सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, उसके पीछे इस तरह से लाठी डंडे तलवारें लेके पीछे पड़ गए जैसे कि वो उनको ही मारने के लिए खड़ा हुआ था, जबकि असलियत में जो सुरक्षाकर्मी
चलो कोई सुरक्षा कर्मी दूर मार देता है तो उसका गुस्सा क्या आके यहाँ पे उतारा जाएगा। अच्छा, वो हिसाब था कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो खाई में कूद रहे हैं बेचारे, अपनी जान बचा के, सिर्फ जान इसलिए बचा रहे थे, उनके सामने आतंकवादी खड़े हो गए थे इसलिए वो जान बचा के भाग रहे थे। अच्छा, हमने देखा कि कई सारे जो इंटरनेशनल पॉप सिंगर जो है रियाना और मिया खलीफा और अमांडा सरनी जैसे जो इंटरनेशनल जो चेहरे हैं जो बहुत फेमस है, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है ट्विटर के, वो भी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं इन किसानों के लिए, ऐसा क्यों, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, जो सारे के सारे चेहरे जुड़ रहे हैं ना ये, हाँ। ये सब चेहरे एक तरह से कहीं ना कहीं पीछे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब पीछे से इनको कोई दबाव है या फिर फंडिंग दी जाए? फंडिंग हो रही है। अच्छा, पीछे से अगर इनका लिंक जोड़ा जाए तो ये कहीं ना कहीं, हाँ। जिस तरीके से ये इनकी एल्बम वगैरह आती हैं, लाखों रुपए की एल्बम बनती हैं, वो कोई आम आदमी तो करता नहीं है, ठीक है। इनकी एल्बमों को तैयार करने में लाखों रुपए फूकता है, जो वो पैसा कहीं ना कहीं से ऐसे आता है, और जब वो लोग पैसा लगाएंगे किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो अपना प्रचार भी तो करवाएंगे इसके ऊपर। भाई रेहाना वगैरह क्या है, वे एक एक्टर ही तो हैं। अब एक एक्टर को तुम नाचने के लिए पैसे दोगे तो नाचने के पैसे लेगा, या बोलने के पैसे दोगे वो पहनने के पैसे लेगा, वो यहाँ के और एक्टर होगा हो रहा है। जैसे वो जो है क्या नाम उसका, स्वरा भास्कर है, भाई वो डांस करने के पैसे लेती है, ठीक है, वही पैसे उसको दे दो जी, जा वहाँ पे बोल, वो उसके पैसे लेके बोल देगी, वही है भाई, वही हिसाब इनका रिहाना वगैरह का हो रहा है। ये बैरिकेड और ये तार लगाना समाधान नहीं है। अच्छा। समाधान ये है कि मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी और देश के जो किसान भाई हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनको साथ में बैठा करके ओपन मीटिंग की जाए और वो पूरी मीटिंग पब्लिक को दिखाई जाए कि ये हमने कानून इसलिए बनाया और इस कानून के ये लाभ हैं, ये हानि है। जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, और दिल्ली की जो आम पब्लिक है वो इससे परेशान हो जाती है इस तरह के कार्यों से, क्योंकि जो आम आदमी काम पे निकलता वो तो नहीं निकल पा रहा, किसी को कहीं से सामान लाना है, सामान जाना है, अरे सबकी समस्या को साथ में रख करके उसका हल निकालिए। मीडिया के माध्यम से इस कानून को टीवी चैनल पे समझाया जाए, भाई ये कानून बना है, इसका ये लाभ है, ये हानि है, और इनके पक्ष में ये लाभ है, इनके पक्ष में हानि है। अभी किसी को समझ में नहीं आया, देश की 80% जनता इस कानून को समझ ही नहीं पाई है कि कानून है क्या। दिल्ली वासी इस समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे? पहले तो ये समाधान निकालिए, नहीं ये जाम, ये बैरिकेड, ये समाधान नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो पूरा ये आंदोलन था ये पूरी तरीके से हाईजैक हो गया था? वो किसान भाई थे, हाँ। कौन थे ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, परंतु जो कुछ हुआ गलत हुआ। क्या लगता है आपको, कई सारे जो राजनेता नेता और राजनेता किसानों के आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या लगता है? देश के प्रधानमंत्री जी को सभी स्टेट के सीएम को बुलाना चाहिए, सभी एमपी को, सभी एमएलए को, जो उस कानून को पास करने में जो जो एमपी थे उन सब एमपी को बुलाइए ना, उसको किसान से रूबरू कराइए, भाई हमने भी इस कानून में साइन किए, समस्या कैसे निकलेगी बाहर? समस्या तो तभी बाहर निकलेगी ना जब बैठ के उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन बात तो सारी सर यहीं पर ये आती है कि आगे नहीं आ रहे बातचीत करने के लिए जो किसान भाई। आएंगे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, ये मेरी विश्वास है, देश के किसानों पे, भाइयों पे पूरा विश्वास, वो आएंगे। अच्छा, क्या लगता है, जैसे 26 जनवरी को जो यहीं पर लाल किले में जो हमारे तिरंगे झंडे का मजाक उड़ाया गया, लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई गई, कैसे देखते हैं आप, कहाँ तक जायज था, क्या वो विरोध करते करते देश का विरोध नहीं कर दिया उन्होंने? ये मुझे नहीं पता है मेरे किसान भाइयों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा वो ऐसा कर सकते थे, कुछ अलग कारण होगा शायद, जहाँ तक मेरा अनुभव। क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करना था पूरे आंदोलन का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए 60% हमारे देश में किसान मजदूर लोग हैं और उन्हीं से देश चल रहा है हकीकत में हम जाएंगे तो। अब गेहूँ पैदा होता है, गेहूँ खा तो हम रहे हैं, परंतु ये नहीं पता वो कैसे पैदा हो रहा है, जब वो करेंगे पैदा तब पता चलेगा। तो आपके हिसाब से ये क्या कानून, जो काला कानून बोला जा रहा है, क्या ये काला कानून है सर? हाँ। ये पहली बात तो ये काला कानून नहीं है, हाँ, नहीं, एक कानून है किसानों द्वारा बोला जा रहा है काला, जो भी बुद्धिजीव लोगों ने बैठ के इस पे अध्ययन किया होगा, हाँ। अब वो बुद्धिजीव लोग को लाइए किसानों के साथ, जिन्होंने कानून बनाया, समाधान तो तभी होगा ना। भाई किसी डॉक्टर ने सर्जरी की गलत कर दी तो दूसरे डॉक्टर को लाइए ना, भाई ये ऐसे होनी थी, तभी तो कोई समाधान निकलेगा। सर आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है और मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता हूँ।
तो सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर तनाव बन रखा है और वहाँ पर कीले भी ठोक दी गई है और बैरिगेटिंग बढ़ा दी गई है, क्या ये करना सही था? ये तो देश में रहने वाले और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में रहने वाले किसान को अपनी खेती का उपज जो है वह टाउन में नहीं आने के कारण उनका माल सस्ता में बिक्री हो रहा है और सरकार जो काम कर रही है वह बिल्कुल सही ढंग से कर रही है, एक किसान के हित के लिए है, लेकिन इसमें बिचौलिए जो मंडी वाले जो पूंजीपति लोग हैं, मंडी से दलाल कमीशन जो आता है, वो लोग ने ही किसान आंदोलन कर रहे हैं या उनको समर्थन कर रहे हैं। असली जो किसान है वो तो अपना खेती कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश में थे, ये तो हम लोग इतना दुख लगा, वहाँ के पब्लिक को भी दुख लगा, पूरे अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफ़ी दुख लगा कि यह देश की अरमान है और उसको धक्का लगा है ये जो खालिस्तान समर्थक लोग जो है वो झंडे को उतार कर अपना झंडा फहराए हैं, इससे काफ़ी दुखद हुआ है, पूरे देश के लोगों का दुखद। क्या लगता है कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उन्होंने फ़ायदा उठाया है इन किसानों का? बिल्कुल, यह तो साजिश है विपक्ष का, जो कभी अपना जो समर्थन खो चुके हैं, पूरे भारत में जो समर्थन खो चुके हैं कांग्रेस पार्टी या जो विपक्षी पार्टी है, वो अपना को जनाधार लाने के लिए कुछ न कुछ आंदोलन को उकसावा दे रहे हैं, इससे देश को भारी खतरा का सामना करना पड़ा। भारत की छवि जो है इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुआ है कि वहाँ के लोग और विपक्षी पार्टियाँ जो है वो मिलकर किसान आंदोलन को उकसा कर अपने देश के लाल किला को झंडा फहराकर या झंडा उतारकर देश की छवि धूमिल हुई है। गलती पूरे किसान आंदोलन के जो नेता है जोगेंद्र यादव है और ये टिकैत जो है हाँ उनकी गलती के कारण उन लोगों ने वादा किया था कि हम मेरे समर्थक लोग जो है प्रशासन का उसका नियम का पालन करेंगे, लेकिन उन लोगों ने ही उकसाकर दिल्ली में के ट्रैक्टर को बढ़ावा दिए जिससे जन आंदोलन को भी धूमिल हुआ है, किसान को बदनामी हुआ है, किसान आंदोलन का बदनामी हुआ है। जैसे हमने कभी जलियांवाला बाग में देखा था वैसे ही हमने वही दृश्य यहाँ पर भी देखा कि पुलिस वाले किस तरीके से नहर में कूद रहे थे, या तो वो डंडे से पीटे जा रहे थे या फिर नहर में कूद रहे थे। बहुत दुखद बात है, ये तो किसान असली किसान नहीं किए हैं, वो नकली किसान जो अपनी छवि जो है अपने देश के राष्ट्रीय स्तर पर अपने को साबित करना चाहते हैं कि हम भी हैं हम भी थे, वही लोग आकर अपना दिखावे के लिए कि हम भी अभी मेरा आंदोलन अभी है, जो खालिस्तान समर्थक लोग जो है पूरे आंदोलन हाईजैक हो गया है, अब हाईजैक के कारण ही अब किसान जो आंदोलन दम वह फीका पड़ गया है और जो होना भी चाहिए जन आंदोलन ख़त्म ही हो गया एक तरह से। अब जो अब कुछ दो चार लोग जो हैं वो अपने को साबित करने के में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो राकेश टकैत है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गलती हुई, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ाई गई वो पुलिस वालों की वजह से उड़ाई गई क्योंकि उन्होंने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने सुरक्षा ढंग से नहीं करी, क्या कहेंगे आप? देखो सुरक्षा के नाम पे भाई तुम कल को किसान बन के और मैं किसान का रूप लेके और रैली निकालने लग जाऊं, और इस देश में भीड़ तंत्र चल रहा है, जब तक रैली निकलती है तब तक तो लोग सोचते हैं हाँ जी आराम से निकल जाएगी, और जब वो भीड़ टूट पड़ती है ना तो उसके बाद या तो सरकार सीधा गोली मारे उस गोली भीड़ को या फिर शांत खड़ी होकर उसको जो करना है करने दे। वो हिसाब उस दिन हुआ कि गोली नहीं मारी गई, खाली ये देखा गया कि भाई वो जो करने कर लेने दो, उसके बाद जो मामला होगा जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। क्या लगता है सरकार द्वारा पुलिस और प्रशासन के हाथ जो थे वो बांधे गए थे? देखो सरकार ने कहा होगा तभी तो पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई, वरना आज तक पुलिस वाले अपने आदमी को नहीं छोड़ते तो भला वो ऐसे किसानों को छोड़ देंगे? दूसरे यहाँ सुरक्षा के लिए लाखों रुपए फूका जाता है लाल किले पे है, तो क्या वो सुरक्षा कर्मी क्या सिर्फ डंडा घुमाने के लिए बैठे होते हैं? कोई अगर आतंकवादी घुसेगा या कुछ तरह के लोग घुसेंगे तो गोली तो मारी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाई लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी कि मत गोली वोली कुछ नहीं बनानी, कुछ नहीं मारनी, किसानों को जितना हो रहा है हो जान दो।